झुंझुनू में आप सभी को बता दें कि एक बच्चे की मौत पटाखा फटने की वजह से हो गई। उसने जेम के अंदर ही पटाखा बनाया था। पटाखा बनाने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह बाजार से सामान लेकर के आया और वह सामान उसकी जेब के अंदर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह चिंगारी की चपेट में आया तो वह जांग में रखा हुआ पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया और इसके चलते हुए उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी और उसे अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया जयपुर के SMS हॉस्पिटल में। लेकिन अब क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आई है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झुंझुनू में 13 साल के बच्चे के पटाखे से पैर के चिथड़े उड़ गए। जयपुर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। नाबालिग और उसके दोस्त ने यह पटाखा गंधक और पोटाश से मिलाकर घर पर ही बनाया था। दोनों परिवार से छुपकर ये पटाखे बनाए थे। एक पटाखे को उन्होंने पहले कांच की बोतल में जलाया था, उसी की चिंगारी से जेब में रखा पटाखा फटा था। घटना झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 14 में सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे की है। घायल हिमांशु को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। हिमांशु की मां रेखा ने बताया कि हिमांशु ने उससे 100 रुपये लिए थे। उसने कहा था कि वह जूस पी कर आएगा और चॉकलेट लेकर के आएगा। पैसे देने के बाद उसकी माँ और बहन पिलानी चले गए। पीछे से हिमांशु 50 रुपये का पोटाश और 50 रुपये का गंधक घर लाकर उसने पोटाश और गंधक को मिक्सी में पीसा तो उसकी बहन आ चुकी ने टोका और डांटा भी, लेकिन हिमांशु नहीं माना। इसके बाद में उसने ये मिश्रण एक कांच की बोतल में डाल दिया। हिमांशु के चाचा जुगल किशोर का घर पास में ही था तो हिमांशु उनके घर की तरफ चला गया और वहाँ अपने दोस्त के साथ वह पटाखे चलाने लगा। बाकी बचा हुआ पाउडर हिमांशु के एक थैली में भर करके अपनी जेब में रखा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कांच की बोतल का टुकड़ा और चिंगारी उसके जांग पर जब लगी तो चिंगारी जैसे ही उसके जांग पर लगी जेब में रखा हुआ पोटाश और गंधक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। ऐसे में उसके बाएं जांग का मांस फट करके बाहर आ गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।